हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है रजवाड़ा। यस, ये जब आप दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ जाते हो तो हाईवे पे आपको मिलता है एक होटल है, जो रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम सुबह सुबह पहुँचे थे ब्रेकफास्ट करने, तो इसका आउटडोर आउटलेट था वो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी क्राउड, अच्छी खासी वैरायटी, चाट वगैरह की, सेक वगैरह की आपको मिल जाएगी। पर हम सुबह सुबह पहुँचे थे, हम ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली से अपने घर के लिए, महेंद्रगढ़ एरिया के लिए, तो हमें रास्ते में मिल गया था ये, क्योंकि रास्ते में ब्रेकफास्ट की भूख लग गई थी, तो हमने ऑर्डर किए थे यहाँ पे आलू प्याज पराठे, गोभी पराठे, और बच्चों को खानी थी सैंडविच। पराठे अच्छे थे, तंदूर वाले थे, मतलब टेस्टी थे। उसके साथ ही उन्होंने मतलब हाफ कट करके वो पराठे को सर्व किया था, एंड साथ में हमने ऑर्डर की थी चाय, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुल्हड़ में आएगी, पर ठीक है, इट्स ओके, कप में आई थी। और साथ में थी रेड चटनी, जो कि बहुत टेस्टी थी, अचार भी ऑप्शन में था। बच्चों ने यहाँ पे सैंडविच खाई, उनकी वेजिटेबल चीज़ सैंडविच थी, जो कि उन्होंने फिनिश कर दी थी, इट मीन्स खाने लायक थी, तो खाना ओवरऑल अच्छा था। उसके बाद पहुँचे हम घर पे, और घर पे पहुँचते ही देखिए मायरा की मस्ती स्टार्ट हो गई। पूरे जो दाने रखे थे उसने पूरे ऐसे फैला दिए कि बस पूछो ही मत। उसके बाद गांव के ही पास में एक गांव है जहां पे ये मटके बनाए जाते हैं, तो ये देखिए मटका पूरा बनाने के बाद ऐसे टूट गया है, तो देखते हैं तो बहुत मेहनत होती है इस काम में, पर इस काम को देखना भी अच्छा लगता है और ये जो करते हैं वो भी अच्छा लगता है। हम कुछ अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदने के लिए गए थे, तो सोचा कि आपके साथ भी वीडियो शेयर कर दें। आजकल तो थोड़ी ये मशीनें हो गए, तो वो बोलते हैं कि उनका काम थोड़ा इजी हो गया है, अदरवाइज़ पहले तो और भी मुश्किल होता था। अब कुछ ही फैमिलीज़ वहाँ पे बची हैं जो ये पर्सनली बनाते हैं, अदरवाइज़ सब लोग बाहर से ला के सेल करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ह्यूज़ क्वान्टिटी में चीज़ें बनाई थी, उसके बाद उनको पकाएंगे। और लास्ट में है ये रजवाड़ा का मेन्यू, आप देख सकते हैं वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और किस प्राइस में मिलती हैं। तो कभी अगर आप दिल्ली से रेवाड़ी साइड में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। उसकी शाम की जो वाइब्स होती हैं वो तो और भी अच्छी होती हैं, क्योंकि हमने निकलते हुए कई बार शाम को जब निकलते हैं तो देखा है कि शाम की वाइब भी वहाँ पे अच्छी हैपनिंग होती है। तो ये था मेरा वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।